आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए एक दो लाइन की बहुत ही प्यारी से खूबसूरत से डिज़ाइन लेके आया हूँ। इस डिज़ाइन से आप जैकेट बना सकते हैं, आप यहाँ पे स्वेटर बना सकती हैं, इससे मफलर बना सकती हैं, या फिर आप इससे टेबल कवर भी बना सकते हैं। टेबल कवर बनाने के बाद साइड में डिज़ाइन डालते हुए आप इसमें झालर डाल सकते हैं, तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लगेगी। अगर आज की डिज़ाइन आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी है आप सबको। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन की बात कर लूँ, तो ऊन यहाँ पे मैं पतली वाली ले रही हूँ, पतली वाली 4-ply ऊन है, ठीक है। तो यहाँ पे चेन बनाएंगे, सबसे पहले हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे गांठ लगाते हुए चेन बनाएंगे। चेन हम लेंगे 6 के मल्टीपल से और प्लस 2 एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन बना लेती हूँ, पहले प्लस 2 नहीं प्लस 5 कर लेना है आपको इसमें, ठीक है। यानी कि 6 के गुने में हम चेन डालेंगे और 5 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे चेन बना लेती हूँ पहले, फिर आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए चेन बना के हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ से 1, 2, 3 चेन छोड़ते हुए चौथी वाली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे हर एक चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशे करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी बॉर्डर लाइन है, इसे हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आगे जो 2 लाइन बताऊँगी उसे आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। चलिए तो इसे कर लेती हूँ, वो जल्दी बन के रेडी हो जाएगी ये डिज़ाइन। चलिए पूरा डबल क्रोशे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी लाइन हमने डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब देखिए किस तरह से डालेंगे मैं इसमें डिजाइन, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4। 4 चेन बनाने के बाद इधर पलट लेंगे हम, पलटने के बाद क्रोशे पे 2 बार धागा लेंगे। फर्स्ट वाली चेन पे हमने यहाँ पे ये चेन बना ली, अब सेकंड वाले पे हम डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाना है हमें। 2-2 बार करते हुए फंदे को हम 3 बार निकालेंगे, 2 बार हो गई और ये 3री बार। अब क्रोशे पे फिर से 2 बार धागा लेंगे। अब यहाँ से चेन को देखिए हमें काउंट करना है, ठीक है। चेन छोड़ना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन छोड़ दिया छठे वाले पे, यानी 6 नंबर चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 2-2 बार फंदे को हम 3 बार में निकालेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 बार धागे को इस तरह से लेंगे, इसी चेन पे डालेंगे और यहाँ पे फिर से हम 1 बार निकाला, 2री बार और ये 3री बार। फिर एक चेन लेंगे, फिर से 2 बार धागा लेंगे और इसी चेन पे डालेंगे और हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 बार धागा लेते हुए, उसी चेन पे बनाना है आपको, ऐसे लिया, ठीक है। फिर लेंगे एक चेन, फिर 2 बार धागा लेंगे और इसी चेन पे बनाएंगे। टोटल हमें 5 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 2-2 फंदे करते हुए हमें 3 बार निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, फिर हमने 2 बार धागा लिया। अब यहाँ से फिर से हम इसी तरह से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 6 नंबर चेन पे डालेंगे और फिर से हम यही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 बार धागा लिया, फिर इसी चेन पे डालेंगे, इस तरह से बनाया 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 बार धागा लेंगे और इसी चेन पे डालेंगे, तो 2 बार निकाला, फिर से 2 बार और फिर से 2 बार, एक चेन लिया, फिर लेंगे 2 बार धागा, ठीक है, इस तरह से लिया और इसी चेन पे डालेंगे और 2-2 फंदे करते हुए फिर से हम निकालेंगे इसे, तो 1 बार निकाला, 2री बार और ये 3री बार। फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 बार धागा लेंगे और इसी चेन पे डालेंगे हम और 2-2 बार करते हुए 3 बार में फंदे को निकालेंगे, 2 निकाला, फिर से 2 और फिर से 2, ठीक है, 5 हो गई। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चेन बची हुई, यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5 चेन छोड़ेंगे, लास्ट में देखिए 2 चेन है, तो इसमें डालेंगे। यहाँ पे 1 ट्रिपल क्रोशे पहले करेंगे हम, ठीक है, इस तरह से, और फिर यहाँ पे लेंगे और लास्ट वाली जो चेन हमने जो 3 चेन छोड़ते हुए जो चौथी चेन में डाली थी वो है, तो उसमें हमने बना लिया, ठीक है। 3 पे हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी रो पे, तो वो किस तरह से बनेगी। पहले हम एक चेन ले लेते हैं इस राउंड में, हमारे पास जो सेकेंड राउंड जो है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहला चेन बनाया, पहले वाली चेन पर डालते हुए हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाले के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है।
अब जो बीच में खाली जगह यहाँ दिख रही है, यहाँ पे भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पांच, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया लिया हुआ है, तो ये जो पहला वाला गैप आएगी ये वाली, इसमें हमें डालते हुए दो सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक और ये दो, ठीक है। अब ये वाली जो है इसमें भी हम डालेंगे और इसमें भी हम दो बनाएंगे, एक और ये दो, यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया। अब चेन लेंगे एक दो और ये तीन, तीन चेन लेने के बाद अब जो यहाँ वाली है ये गैप एक और दो, इसमें भी हमें दो दो बनाना है, दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसमें लेंगे यहाँ भी दो सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और ये दो सिंगल क्रोशिया। अब इन दो के बीच में जो खाली जगह दिख रही है यहाँ से भी एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर देखिए गैप आ गई, यहाँ पे भी हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हम दो सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे, यानी कि पांच हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया है। तो यहाँ पे देखिए इस बीच बीच में गैप में बनाना, ठीक है, चेन पे नहीं बनाना है आपको। अब यहाँ पे तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, चार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद तीन चेन लिया हमने। अब इसमें और इसमें बनाएंगे, तो यहाँ पे दो बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और ये दो सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इन दो चेन के यानी दो ट्रिपल क्रोशिया के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर में, और यहाँ पे जो ये जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी, तो यही दो लाइन बार बार आपको रिपीट करना है। और फिर से फर्स्ट रो किस तरह से करेंगे एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। एक दो तीन और ये चार चेन लेंगे, इधर पलटना है आपको, दो बार धागा ले लें। अब इसके ऊपर एक बनाएंगे, यहाँ पे दो बार इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे क्रोशे पे धागा ले लेंगे। अब यहाँ जो हमने तीन चेन बनाते हुए बनाया था, गैप लिया हुआ था, ठीक है, इस गैप में हमें पांच बार बनाना है। इस तरह से लेंगे एक, फिर एक चेन, यहाँ पे पांच बार बनाना है तो बना लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फिर से दो बार धागा लेंगे, यहाँ पे हमने पांच बना लिया। दो बार धागा लेने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे, और यहाँ से हमें पांच बार फिर से इसी तरह से बनाना थी, यहाँ पे बना लेती हूँ। अब यहाँ जो लास्ट में है दो हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, एक हो गई, दो बार धागा लेंगे, फिर लास्ट वाले चेन पे डालेंगे और यहाँ पे भी एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गई। यही दो रो बार बार आपको करना है, इसके बाद फिर आपको ये सिंगल क्रोशिया वाली लाइन करनी है। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने वीडियो को लाइक नहीं करती हैं तो एक लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, थैंक यू।